I'm Saloni. Welcome to my channel Saloni Swag. Today I'm going to show you how to do milk facial. यानी milk facial कैसे करते हैं? Milk facial से कैसे आप गोरी दमकती त्वचा पा सकते हैं? वैसे तो milk facial के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये आपको whiten skin देता है, brighten skin देता है, even skin tone देता है. इससे suntan removes होते हैं और आपकी skin को ये healthy रखता है. So आज मैं आपको बताऊंगी कि milk facial करते कैसे हैं. So let's start the video. तो गाइस, सबसे पहले मैंने इस बॉल में थोड़ा सा मिल्क ले लिया है. इससे मैं अपने फेस को क्लीन करूंगी. इसको एज अ क्लींजर मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी. ये क्या करता है, मेरे फेस पे जितने भी डर्ट्स हैं, जितने भी इम्प्योरिटीज हैं, उनको बाहर निकालता है. मेरे जितने भी ओपन पोर्स में डर्ट्स छुपे हुए हैं, जिससे पिम्पल्स होने के चांसेज होते हैं, ये उनको भी बाहर निकालता है, जिससे हमारे फेस पे पिम्पल्स नहीं होते हैं. ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारे फेस के लिए. मैं अपने फेस को पहले क्लीन कर लूंगी एक कॉटन की हेल्प से. मिल्क एक बहुत ही बढ़िया क्लींजर होता है, जिससे हमारे फेस के जितने भी इम्प्योरिटीज हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं. हमारे फेस बिल्कुल भी क्लीन हो जाती है अच्छी तरह से. तो अब ये अच्छी तरह से हो चुका है, तो अब मैं इसको एक सूखे हुए कॉटन से पोंछ लूंगी पूरी अच्छी तरह से इसको, से जितने भी डर्ट्स हैं सारे निकल जाएं. ये अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है. सो गाइज, इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग का. तो अब मैं एक मिल्क स्क्रब तैयार करूंगी. सो गाइज, मैंने एक बॉल में मिल्क ले लिया है स्क्रब बनाने के लिए. इसमें मुझे क्या करना होगा, मैं इसमें ओट्स डालूंगी. ओट्स और मिल्क से मिक्स करके मैं एक फेस स्क्रब तैयार करूंगी. अब मैं इससे अपना फेस स्क्रब करूंगी. स्क्रब करने से पहले मैं इसको थोड़ी देर के लिए अपने फेस पे ऐसे ही सूखने दूंगी. जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा उसके बाद मैं अपने फेस को इससे स्क्रब करूंगी. सो गाइज, 5 मिनट हो चुका है. मैंने इसको 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया था सूखने के लिए. अब मैं इसको स्क्रब करूंगी. स्क्रब करने से क्या होता है कि हमारे फेस के जितने भी व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वो सारे रिमूव हो जाते हैं और हमारे फेस के जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो सारी रिमूव हो जाती है. तो इसको आप हल्के हाथों से अच्छे से स्क्रब कर लें, जिससे आपकी फेस की सारी इम्प्योरिटीज बाहर आ जाए. आपको बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग और निखरी हुई त्वचा मिलेगी. अब इसके बाद मैं इस थोड़े से बचे हुए स्क्रब को फिर से अपने हाथों पे लूंगी और इससे अपने फेस को स्क्रब करूंगी.
आप देख सकते हो इससे स्क्रब करने से मेरे फेस के जितने भी इम्प्योरिटीज या जितने भी डर्ट है वो सारे इसके साथ मैश होके बाहर निकल रही है। सो गाइज आप देख सकते हो मैंने अपना फेस अच्छे से स्क्रब कर लिया है। अब इसके बाद मैं अपने फेस को वॉश कर लूंगी। सो मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है, आप देख सकते हो ये अभी ही कितना ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। सो गाइज अब मैं इसके बाद लास्ट स्टेप अपना मास्क यूज करूंगी। सो गाइज फेस मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए दो इंग्रेडिएंट्स। उसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच ये मिल्क क्रीम, इसके बाद हमें चाहिए चावल का आटा। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और एक फेस मास्क रेडी कर लेंगे। सो गाइज ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। सो गाइज अब मैं अपने फेस पे ये मास्क अप्लाई करूंगी। आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिले, आपका फेस बहुत ही ज्यादा व्हाइटन होगा, ब्राइटन होगा, प्लस आपके जितने भी सनटैन है वो सारे रिमूव हो जाएंगे। मिल्क बहुत इफेक्टिव होता है हमारे फेस के लिए। एरिया में भी अच्छे से अप्लाई कर लूंगी ताकि वहां भी जितने सेंटर है वो रिमूव हो जाए। सो ये मेरे फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है मैंने। अब मैं इसको अपने फेस पे ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दूंगी 15 मिनट के लिए। सो गाइज मेरे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, अब मैं इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूंगी। सो गाइज मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। सो गाइज आप देख सकते हो मेरा फेस कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है, कितना ज्यादा स्मूथ हो चुका है। मेरे फेस की जितने भी इम्प्योरिटीज थे, जितने भी डर्ट्स थे मेरे फेस के, वो सारे रिमूव हो चुके हैं। मेरी फेस बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो गई है, ब्राइटन हो गई है, व्हाइटन हो गई है, प्लस मेरे जितने भी सनटैन थे वो भी रिमूव हो चुके हैं और मेरी फेस इससे बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी हो गई है। इसको अप्लाई करने से आपका फेस बहुत ज्यादा हेल्दी भी होता है। सो आप देख सकते हो कितना प्लम्पी हो गया है इसको अप्लाई करने से। So guys, if you like this video, then give us a thumbs up and also subscribe to my channel for more such natural remedies from me. See you in my next video. Till then, bye bye. Take care. Have a good day.